बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की, जहां मंडल श्री रेणुका जी के अंतर्गत नोहरधार क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवामानल वार्ड नंबर 4 और 5 में ग्राम पंचायत प्रधान भूपाल सिंह रोपटा एवं पंचायत समिति सदस्य देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एग्रीकल्चर के द्वारा प्रकृति खेती परीक्षण का 2 दिवसीय शिविर लगाया गया, जिसमें 50 पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया। ब्लॉक समिति से आए डॉक्टर रुस्तम और बलवीर सिंह ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के बारे में जानकारी भी दी। फसलों की उपज लेने के लिए जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है सभी घर में ही तैयार करना, और जैसे कि नंबर 1 जीवामृत कैसे बनाएं, 2 घन जीवामृत कैसे बनाएं और 3 बीजामृत कैसे बनाएं, इसके बारे में जानकारी दी गई। कीटनाशक दवाइयों का उपयोग ना करें, इससे फसल को नुकसान होता है, साथ ही साथ आपके खेत को भी नुकसान होगा, ऐसा उनका कहना था। घरेलू दवाइयों का उपयोग बेहतर है। देखिए विशेष रिपोर्ट संवाददाता कपिल शर्मा के साथ। उसको शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास आपकी घरों गाय लोकल गाय वो होना बहुत जरूरी है। आप सबके पास घरों गाय है ना? ठीक है, क्योंकि हमारे बीच में कृषि विभाग संग्रह से जो हमारे आत्मा प्रोजेक्ट से हैं, हमारे भाई श्री रुस्तम केटीएम जी, इनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और ग्राम पंचायत देवा मंडल में जो हमारे आप लोगों के जो प्रधान हैं श्री भूपाल सिंह प्रधान, इनका मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जो आप लोगों को इतने बड़ी संख्या में इन्होंने एकत्रित किए, और हमारे यहाँ पे BDC मेंबर, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और वार्ड मेंबर और महिला मंडल की जो प्रधान है उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं मंच पे, इनका भी हमारे साथ जो मीडिया के प्रभारी है इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मेरा नाम पंचायत बलोना से हूँ और मैं कृषि R9 भारत के लिए कपिल शर्मा, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।